अस्सलामुअलैकुम। आज है हमारा कराची के अंदर तीसरा दिन और उस वक्त जो है हम सो के उठ चुके हैं और अब जाने लगे हैं, क्योंकि ड्राइव करके जाने लगे हैं नेवल म्यूजियम की तरफ। और मेरे ख्याल से आज हमारा जो है लास्ट डे है, सो देखते हैं क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं और कैसे क्या होता है। सो स्टे विद अस। नेवल म्यूजियम के अंदर एंटर कर चुके हैं और बाल तक तो ख़राब हो गए, और अभी यहाँ पे देखते हैं, विज़िट करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या कुछ है यहाँ पे। पीछे मेरे एक बड़ा सा पैसेंजर प्लेन है। मैं एक शिप के ऊपर हूँ। हाँ जी, और ये देख सकते हैं मेरे सामने एक कंपास है, और इसका जो सिस्टम है इस तरह के सी लेवल जो है ना उसको बराबर खुद ब खुद कर लेता है। शिप टेढ़ा जैसा मर्जी हो ना ऐसे करेंगे डायरेक्ट उसके बराबर आ जाएगा। और सामने पता नहीं मुझे पानी को देख के पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की याद आ जाती है। एक सबमरीन की मिसाइल है और ये सामने रही एक सबमरीन, और इसके अंदर अभी जो है हम जाने वाले हैं और देखते हैं कि इसके अंदर का सिस्टम कैसा होता है। मैंने कभी देखा नहीं। ये तो बहुत अच्छी लग रही है। वाह 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 वाह, प्रो पोजीशन। आप दोस्त के अंदर खाना पीना बैठना, चीजों को टच नहीं करना है। पर ये किचन सबमरीन का फ्रिज है। ऑपरेशन रूम। आप सोने की जगह यहाँ पर सोने के लिए मिसाइल्स वगैरह सारे एग्जिट। इस वक्त जो है हम पीएफ म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं, और आज हमने प्लान किया है कि जितने भी म्यूज़ियम जो हैं वो हम लोग आज कवर करेंगे। मैं और मेरे साथ जो है यहाँ पे काफ़ी सारे जहाज़, चारों तरफ जहाज़, और जो है इस तरफ जो है कोई बड़ा सा वो पैलेस टाइप है। बाहर आ चुके हैं और वो कुछ इतनी खास हमें लगी नहीं। अब यहाँ पर आए हैं हम, TDC घर इसको कहते हैं, पता नहीं क्या चीज़ है, हमने नाम सुना था इसलिए आ गए। देखते हैं यहाँ पे क्या है, म्यूज़ियम है क्या चीज़ है। लग तो म्यूज़ियम ही रहा है बाहर, नहीं लग तो बाहर घर रहा है, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। TGF, पहले जो है हम गलत एड्रेस पे चले गए थे, वो TGF घर था, TDF घर था। ये TDF है, कोई म्यूज़ियम टाइप है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हम पहली दफ़ा आए हैं, हम भी देखें यहाँ पे ऐसे है। गाइस, इस चार्ट के मुताबिक मैं हूँ अंडरवेट, मेरा भाई भी अंडरवेट है। ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद है, बेस्ट है, वैल्यू फॉर मनी। बाहर से लग रहा था इतने पैसे की चीज़ के ले रहे हैं, लग रहा है हाँ पैसे में जायज़ नहीं। ओके गाइस, मेरे पीछे यार आपकी टांगे किधर है? एक्सरसाइजिंग दबा के रखें तो फील होता है इसके अंदर, आपको भी फील हुआ था। ये ह्यूमन बहुत ही जबरदस्त है, इससे बेस्ट जगह नहीं देखी यार, बहुत अच्छी। जो चीज़ हमारी तरफ आ रही है ना,
अगर हम उसकी तरफ जा रहे हैं इसका मतलब वो खाली रास्ता है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। टॉर्सियोनल वेव है, बस एक बार यूं किया। से बाहर आके इस टाइम रिक्शा करके यहाँ पे आ चुके, मशहूर जमाना क्लिफ्टन बीच पे। और वो जो TDC था ना, TDF, वो एंड लेवल, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उधर गुजारने के लिए तैयार हूँ। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जगह, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ज़बरदस्त जगह। अभी हम जा रहे हैं क्लिफ्टन बीच, तो स्टे विद अस, देखते हैं क्या होता है। मैं हूँ क्लिफ्टन बीच के ऊपर, मेरे पीछे आप देख सकते हैं क्लिफ्टन बीच है, और यहाँ पे बिजनेस ही बिजनेस हो रहा है। यानी हर, यानी जिसको काम चाहिए यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे स्टॉल्स लगे हैं हर चीज़ के। और ये जो मनोड़ा वाले जो आइलैंड था, वो आइलैंड था उसके बीच से बहुत ज़्यादा ये बड़ा, ये देख सकते हैं आप चारों तरफ बहुत बड़ा वो है बीच है। और लोग आगे आगे तक गए हैं, हम लोग ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, लेकिन देखेंगे, एंजॉय करेंगे। सो स्टे विद अस। क्लिफ्टन बीच से आ रहे हैं वापस, और तकरीबन शाम हो चुकी है, और देख सकते हैं पीछे मेरे सनसेट बहुत ही खूबसूरत नज़र आया। मेरा तो फेस भी क्लियर नहीं आया। और इस वक्त जो है मेरे ये बिल्कुल पीछे है डॉल्फिन मॉल, जिधर हम कल गए थे। कल हमें पता ही नहीं था हम इसके इतने करीब हैं, वरना हम कल यहाँ पे भी आ जाते बीच पे। बहुत ही ज़बरदस्त है। हम आ चुके हैं यहाँ पे दो दरिया, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है सजाद नाम से, देखते हैं यहाँ पे खाना कैसा होता है और क्या प्राइस वगैरह। उड़की कराची बिरयानी, बिरयानी से बाहर आ चुके हैं और यहाँ से खाना वगैरह खाया, और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। और कल जो है सोच रहे हमारी वापसी है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।